नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। आई नो लाइफ एक साँचे में गड़ गई है। काफ़ी दिनों से एक सेम रूटीन पे भागे जा रहे हैं सेम रूटीन बिल्कुल, और कोई चीज़ शिफ्ट नहीं हो रही है, क्योंकि क्लासेस का स्केड्यूल इतना ज़्यादा टाइट हो गया है कि क्लासेस होती रहती है पूरे दिन, और फिर उसके बाद जो भी टाइम मिलता है या तो बैडमिंटन खेल लो थोड़ा बहुत, या फिर कुछ काम करना है कुछ काम कर लो। इस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट होने का टाइम ही नहीं बचता। आज ज़रा जा रहा हूँ किसी अलग से काम से, तो फिर किसी से मुलाकात करने जा रहा हूँ बेसिकली, तो फिर गाड़ी में बैठ करके आप लोगों से वार्ता करने का समय फाइनली लग गया। आज सोच तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँ, क्योंकि हाल में जितने भी दिन क्लासेस ले रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, चल रहा हूँ, जो भी मीटिंग्स हो रही है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि लोगों की मेंटल स्टेट ज़्यादा बिगड़ रही है और बहुत ख़राब है इनफैक्ट, ठीक है, और डिटेरिएट होती जा रही है। लोग अपने आप को शरीर को संभालने के चक्कर में दिमाग को बिल्कुल भूल रहे हैं और दिमाग को उल्टा खराब ही कर रहे हैं, जो इन टर्न उनके शरीर को और ज़्यादा खराब कर रहा है। इसका एक बहुत मुख्य कारण ये है कि लोग यहाँ से ऊपर के शरीर को बहुत ज़्यादा चलाते हैं, यहाँ से नीचे के शरीर को बहुत कम चलाते हैं। यहाँ से ऊपर के शरीर को तो हम रोज़ की रोज़ अमेरिका तक घुमा के ले आते हैं, पर यहाँ से नीचे के शरीर को हम पार्क तक, जो घर के सामने है, वहाँ तक भी नहीं लेके जाते हैं। राइट, तो दिमाग को चलाना थोड़ा कम करो और शरीर को चलाओ। जितना ज़्यादा शरीर को चलाओगे उतना ज़्यादा शरीर स्वस्थ होगा। अच्छा, एक खास इन्फॉर्मेशन, कोरोना वैक्सीन के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप लगवाओ या मत लगवाओ, दैट्स योर कम्प्लीटली फ्री विल। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि कुछ टेस्टिमनीज मेरे पास हैं, लाइक कल भी द फीमेल विच इज़ अ डॉक्टर, शी हरसेल्फ इज़ अ डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली, शी वेंट फॉर हर वैक्सीन। उनका रिव्यू था कि वैक्सीन के बाद 10 दिन तक उनको हरारत, थकावट, शरीर टूटा टूटा होना, वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहती है बॉडी में, बॉडी एडजस्ट नहीं करती है, बॉडी टेक्स टाइम टू एडजस्ट, एंड बहुत सारे ऐसे ही सिम्टम्स बहुत सारी बॉडीज में देखे गए हैं, और हर बॉडी अपना टाइम लेती है इस वैक्सीन को एडजस्ट करने में बॉडी के अंदर। इट टेक्स टाइम एंड बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है वैक्सीन, ठीक है, सो माइंड इट। अच्छा, कई बार हंसी मेरे को इस बात पे आती है, आई हैव सीन मेनी पीपल, हमारा खाना तो बहुत अच्छा है, हम पूरा गिनवा देंगे अपना एक एक चीज़ सुबह से लेकर शाम तक की, और ये खाते हैं और सारे अच्छी अच्छी चीज़ खाते हैं, अच्छे से अच्छा फ्रूट खाते हैं, अच्छे से अच्छी रोटी खाते हैं, आटा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, पर शरीर की तरफ उनके देख लो तो शरीर इतना बेडोल और शरीर इतना खराब, हिला ना जाए, डुला ना जाए, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे जीरो, या फिर मोटापा इतना ज़्यादा, साफ मतलब शरीर रो रहा होता है अंदर से, पर फिर भी मुंह पे ऐसे बोल और दिमाग में इतनी संतुष्टि कि हम बिल्कुल सर्वोत्तम खाना खा रहे हैं, बिल्कुल सात्विक खाना खा रहे हैं, और हमसे बेहतर शायद ही कोई दुनिया में खा रहा हो। इस बात को ध्यान से समझें कि अगर आपका शरीर आपके साथ नहीं है, आपका शरीर अगर बेडोल हो रहा है या फिर साथ छोड़ रहा है, कोई भी तरह की दिक्कत दे रहा है, तो आप जो खाना खा रहे हैं वो उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सही नहीं खा रहे हैं, इस बात को समझें और मानें। अच्छा, गर्मियों का सीजन आ रहा है, सब लोग अपनी छत पर पानी तो भर के रख रहे हैं ना चिड़ियाओं के लिए, क्योंकि प्यास सबको लगती है और पानी चिड़ियों को पिलाना बहुत पुण्य का काम है। पुण्य का काम के साथ साथ वो हमारे को बहुत बेनिफिट भी देती हैं। यू नो, विद दिस स्टेटमेंट आई रिकॉल दैट 1958 वाला सीन इन चाइना, द फोर बर्ड कैंपेन, फोर बर्ड कैंपेन इन विच स्पैरोज एंड बर्ड्स वर बीइंग किल्ड इन चाइना, द चाइनीज प्रेजिडेंट आस्क्ड द पीपल टू डू सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैंपेन चाइना हैड फेमाइन फॉर 2 years इन विच 4 crores ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू फेमाइन, राइट। बर्ड्स आर दैट इम्पॉर्टेंट, इफ यू डोंट नो अबाउट दिस स्टेटमेंट, इफ यू डोंट नो अबाउट दिस सीन, गूगल इट आउट, राइट। Famine in China in 1962, from 1960 to 1962. Worth learning. ठीक है,
मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, रात को नींद टूटती है, रात को नींद आती ही नहीं है लोगों को। सॉल्यूशन क्या है? हम कॉन्शियसली बहुत सारी गलतियां दिन भर में करते हैं। यार फिर से फोन आ गया किसी का। तो सॉल्यूशन क्या है? अपनी प्रॉब्लम्स को पहले तो पहचानो कि हम गलती करते थे तो कहाँ करते हैं। लोग खाने पीने के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, बाहर का खाना पीना छोड़ नहीं पाते हैं, चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं। लोगों को पता है कि खराब कर रहे हैं शरीर को, पर फिर भी खा लेते हैं। एडिक्शन, लोगों को फ़ोन की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हर किसी के फ़ोन में वो डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन है, उसमें जाओ अपने पर्टिकुलर ऐप का स्क्रीन टाइम चेक करो और देखो कि कौन सी ऐप आपको सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रही है। अगर वो कोई गेम है पर्टिकुलरली तो उस गेम को शॉर्ट अनइंस्टॉल कर दो। अगर वो कोई सोशल ऐप है और आपको सिर्फ शौक के लिए आप उस ऐप को चला रहे हैं, उस ऐप को अनइंस्टॉल करके अपना सॉल्यूशन फिगर आउट करो। लोगों को और भी कई तरह की एडिक्शन्स होती हैं, कई तरह की वो चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं। अपनी प्रॉब्लम को पहले तो फिगर आउट करो, एक पेपर पर नोट डाउन करो, उसको लिखो और पूरे दिन भर उसी चीज़ के बारे में सोचो कि मेरे को वो चीज़ छोड़नी है, कट डाउन करनी है और मुझे इस चीज़ से एस्केप करना है। क्योंकि जब आप एक चीज़ को दिन भर में ख़राब करते हैं ना, तो उसकी वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें को ख़राब करने लगते हैं अपनी। राइट, मान लो आपको फ़ोन एडिक्शन है और फोन एडिक्शन की वजह से आपको नींद नहीं आती है, या फिर आप अपना खाना पीना पे ध्यान नहीं दे पाते, प्रॉपर उसको च्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप खाते समय भी फ़ोन में लगे हुए हैं, या फिर आपको स्क्रीन की एडिक्शन है, जो भी है। ठीक है, होगा क्या कि आप फ़ोन जब छोड़ेंगे ना तो आप अपना खाना भी सुधार लेंगे, कॉन्शियस ईटिंग हो जाएगी जिसकी वजह से आपका पेट भी कम होगा और फिर आपकी नींद भी सुधर जाएगी। इट्स अ चेन रिएक्शन बेसिकली, सो माइंड दिस फैक्ट। राइट, अच्छा एक पर्सनल लेवल पर सलाह देता हूँ, हर किसी को अपने पेट से बहुत दिक्कत है। सर पेट पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 99.99% लोगों को अपने पेट से दिक्कत है। किसी पेट पड़ा हुआ है, पेट कम करवा दो किस तरह, समझ लो इस बात को कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। इस टाइम पे अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार लो, क्योंकि आने वाला समय और ज़्यादा खराब होने वाला है। पेट की तरफ ध्यान दे करके आप अपने दिमाग को खराब करते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। पेट की तरफ ध्यान ना दे करके अपनी लाइफ की क्वालिटी को सुधारें, अपने मेंटल हेल्थ को सुधारें, अपने आप को हैप्पी बनाने पर ध्यान दें। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उन चीज़ों को प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, एंग्जाइटी के शिकार ना हो, मोबाइल फोन्स और बुरा तामसिक खाने पीने से दूर रहें कोशिश करके। ठीक है, आज बेटा जो कोई नहीं, क्योंकि आने वाला समय खराब है। अगर आपका पेट इतना ज्यादा है कि वो आपके घुटनों पे असर डाल रहा है, या फिर आपको एसिडिटी की या गैस्ट्रिक समस्याएं हो रही हैं और समस्याएं हो रही हैं पेट की वजह से, तब तो पेट को कम करने पे ध्यान दो कि हाँ ठीक है पेट इज अ कंसर्न। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका पेट बिल्कुल इतना सा है, ना मात्र सा है, वो भी अपने पेट को लेके कंसर्न है। कंसर्न होना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप कंसर्न छोड़ दो, बट एक पर्सनल लेवल पे बात बता रहा हूँ कि इस टाइम पे ना अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा सुधार के रखने की कोशिश करो, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी हो रही है। राइट, बाइक पे पीछे बैठना इज सो थ्रिलिंग, बहुत बहुत बहुत। विशाल भाई, साहिब भाई, मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ गया थोड़ा थोड़ा। पीछे वाले को हमेशा डर लगता है, आगे वाले को पता उसका कंट्रोल क्या है, वो क्या चला रहा है, क्या सोच रहा है। पीछे वाले को कुछ नहीं पता होता है क्या चल रहा है, बस हालत खराब हो रही होती है पीछे बैठ करके। लास्ट में अपने दोस्त साहिल के साथ
बैठा था एफ जेड के पीछे,